कामयाब ऑपरेशन मरकबर सरमचार, पाकिस्तान का ईरान को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज का ईरानी सूबे सिस्तान दहशत गर्दों के ठिकानों पर भरपूर हमला। पाक फौज ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जेरे इस्तेमाल ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में किलिंग ड्रोन्स, रॉकेट्स, स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ISPR के मुताबिक आम दुश्मन पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बदनामे जमाना दहशत गर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बिजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल। स्ट्राइक में बेगुनाहों को महफूज रखने के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। पाकिस्तानी आवाम की मदद से दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुराज़म हैं। ऑपरेशन मरकबर सरमचार इंतहाई मजबूत फौजी हमला था। दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की इतला पर एक्शन लिया गया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार ईरान से ठोस शवाहिद के साथ डोसियर शेयर किए। संजीदा तहफ्फुज़ात पर अमल ना होने की वजह से नाम नहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। चैलेंजेस के मुश्तरक हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। ईरान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई में मरने वाले अफराद ईरानी नहीं थे। डिप्टी गवर्नर जनरल सिस्तान अली रजा का कहना है कि हलाक 7 अफराद के पास ईरानी शहरियत नहीं थी। ईरानी मीडिया और डिप्टी गवर्नर का बयान पाकिस्तान के मौकफ की मुकम्मल तायीद। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। वफाकी काबीना इजलास के बाद सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। पाक ईरान कशीदा तालुकात के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? कोई बेरोजगार ना होता, डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता, पाकिस्तान तरक्की के अरूज पे होता। 5 जजों ने 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को फारिग किया। 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। ना निकाला जाता तो आज कोई बेरोजगार ना होता, बिजली गैस रोटी महंगी ना होती, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ ने हाफजाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा पाकिस्तान को दोबारा पैरों पर खड़ा करने का मिशन पूरा करेंगे। 28 मई वालों ने मुल्क बनाया, 9 मई वालों ने तबाही मचाई। दोनों तारीखों में एक पूरी दास्तान है। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, मरियम नवाज की ललकार। कहा नवाज शरीफ सिर्फ अवाम के रिलीफ का सोचते हैं, पाकिस्तान की हालत बदलनी है तो नून लीग को लाना होगा। मुल्क भर में सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला होगा। मेयर कराची, वजीर आला सिंध के बाद वजीर आजम भी जियाला लाएंगे। लोग वोट जाया ना करें, तीर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशेर व फिरोज में जलसा आम से खिताब। कहा दूसरी सियासी जमातें अपनी अना के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। जियाले चेयरमैन का इख्तदार में आकर यूथ कार्ड, मजदूर कार्ड लाने, बेरोजगारी खत्म और आमदन दुगनी करने का वादा। मेरे 161 और 164 के बयान हलफ पर रिकॉर्ड नहीं हुए। साइफर केस की समाअत के दौरान आजम खान का बयान। कहा बनी गाला मीटिंग में सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पढ़कर सुनाया। वजीर आजम ने साइफर का कॉपी लेकर अपने पास रख ली, बाद में नहीं मिली। आजम खान बयान से पहले कुरान पर हाथ रखकर हलफ उठाएं, बानी PTI का मुतालबा। वकला की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त देने पर अदालत का इजहार बरहमी। हम मुसलमान हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और उस पर अमल करने वाले हैं। जज अबुल हसना जुल्करनैन के रिमार्क्स। पाक सरजमीन का दिफा हर कीमत पर किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। सदर मुमलिकत का दो टोक पैगाम। ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्ला फाज की पेशावराना महारत की तारीफ। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने दौरे डिवोर्स मुख्तसर कर दिया, आज रात वापस पहुँच जाएंगे।
दहशतगर्दों के खिलाफ सिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर शहबाज शरीफ का फौज को खराज तहसीन। मुल्की सलामती के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाली टीम को सलाम। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी सलामती तहफ्फुज़ पर समझौता नहीं करेगा। ईरान की खुल्लम खुल्ला आलमी उसूलों के खिलाफ वर्जी नजरअंदाज नहीं हो सकती। पाकिस्तान का फौरी और भरपूर जवाब खुशाइंद है। तेहरान अपनी गलती तस्लीम करे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का रद्द अमल। चीन ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि फरीक चाहें तो कशीदगी में कमी के लिए तामीर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि दोनों ममालिक कशीदगी में इजाफे से गुरेज करेंगे। तुर्की की दोनों ममालिक को पुरम रहने की अपील। दोनों मुल्क जवाबी हमलों के बजाय कशीदगी में कमी लाएं। रूस का मशवरा। अमेरिका की ईरान की जानिब से पाकिस्तान और इराक पर हमले की शदीद मजम्मत। तेहरान हमसायों के साथ सरहदों की खिलाफवर्जी कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द अमल। कहा ईरान के कौलो फेल में तजाद है। एक तरफ खित्ते में दहशतगर्दी की माली मुआवनत में सर फहरिस्त, दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान मजीद मुतहरिक। सिविल एविएशन ने ईरान और मगरबी सम से आने वाली तमाम परवाजों की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को परवाजों की तफसीलात जमा करने की हिदायत। CAA के मुताबिक ईरान के लिए फिजाई हदूद बंद करने की हिदायत नहीं मिली। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी उमूर देखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर शाहिद अशरफ तारर कन्वीनर मुकर्रर, सेक्रेटरी दाखिला और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज कमेटी के मेंबर होंगे। जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा को बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हाईकोर्ट ने RO और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। PTI ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 859 हलकों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हतमी लिस्टें रात तक अपडेट कर देंगे। उम्मीदवार आजाद, हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा तहरीक इंसाफ हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। मुल्क गैर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। £190 मिलियन और तोशाखाना नैब केस। जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त से काबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। पीर को केस दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए, अदालत की हिदायत। शहर कायद में लुटेरों ने एक और जान ले ली। कोरंगी में डाकू की फायरिंग से जख्मी नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। कराची में रवा साल अब तक 8 अफराद डकैती मजाहमत पर कत्ल हो चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में पारा -7, कालाम -6, गिलगित अस्तोर -5, रावलाकोट -4 और दीर में -3 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्द रहने का इम्कान। दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश। कौमी टीम डोनीडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गई। सीरीज तो हाथ से गई, क्या शाहीन साख बचा पाएंगे। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 कल क्राइस्टचर्च में होगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। कीवीज को सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल है। PCB का 4 क्रिकेटर्स को लीग्स के लिए NOC देने का फैसला। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर को लीग्स खेलने की इजाज़त मिल गई। फ़खर जमान और आजम खान को लीग्स के लिए ताहाल इजाज़त नहीं मिली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्रिकेटर साल में 2 लीग्स खेल सकते हैं।